अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करने जा रही हूँ मैं। करने लगी थी बेडशीट और पिलो कवर्स चेंज, तो सबसे पहले मैंने ये किया है और डस्टिंग करने लगी थी साथ ही में। और ये मैं करने लगी हूँ बेडशीट चेंज। और आज मेरे पास बहुत सारे काफ़ी सारे काम थे करने के लिए, तो मुझे सबसे पहले अपने बेटे को नहला कर उसको भी मुझे भेजना था कुरान शरीफ पढ़ने के लिए। और उसके बाद मेरे काम फिर से कंटिन्यू हो गए थे, और बीच में मैं थोड़ी देर के लिए उसको मैंने रेडी वगैरह कराया था, तब मैं थोड़ी देर के लिए रुक गई थी। बेडशीट को मैंने अच्छे से सेट नहीं किया था क्योंकि मुझे बॉक्स खोल के सामान डालना पड़ रहा था बार बार। ये जो बेडशीट वगैरह जितने भी गंदे कपड़े थे ये सभी मैं मशीन के अंदर डाल के आ गई हूँ, क्योंकि मैंने मशीन भी लगाई हुई थी, साथ में मेरे ये काम भी चल रहे थे। और ये मैं और एक मेरे हस्बैंड ये एक चीज़ लेकर आए थे, कारपेट टाइप का कुछ। ये काफ़ी मोटा सा कारपेट था ये, और इसको हम दस्तरखान की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। दस्तरखान के लिए ही मैंने रखा हुआ था इसको, और बट मैंने थोड़ा सा इसमें से कट करके रखा था, जैसे कोई डिश वगैरह मैं सर्व करती हूँ या फिर उसको मुझे वीडियो शूट करनी होती है तो मैं वहाँ उसके लिए मैंने इसको निकाला था। और एक जो बड़ा वाला पार्ट था उसको मैंने फोल्ड करके रख दिया था, और एक जो पार्ट मुझे यूज़ के लिए रखना था तो उसको मैंने वॉश करने के लिए अलग से रख लिया था। और ये काफ़ी अच्छा दस्तरखान निकल गया था बड़ा वाला। और मैंने अपने बेटे को अब नहला दिया है, उसके बाद में उसको मैं कपड़े वगैरह पहनाने लगी थी। और ये देखें उसकी फेवरेट शर्ट, जो कि वॉश होने के फौरन बाद उसको चाहिए होती है, और इसको इतनी ज़्यादा पसंद है, पता नहीं क्यों बट बहुत ज़्यादा पसंद है उसको ये शर्ट। और अभी मैं उसको ऑयलिंग कर रही हूँ थोड़ा सा। और ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगता है, इस तरह की हरकतें करता है तो बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। और अभी मैं इस और ये देखिए इसके हेयर वगैरह मैंने सेट कर दिए हैं अच्छे से, और इसको इतनी ज़्यादा शर्म आ रही है ना जाने क्यों आज। और ये देखें आज ये काफ़ी दिन हो गए मैं सोच, ये मेरे पास एक टेबल था जो कि इस पर काफ़ी अच्छा मोटा शीशा लगा हुआ था, बट वो मेरे हस्बैंड से वो टूट गया था तो मैंने उसका शीशा भी नहीं डलवाया था, क्योंकि सामने वाला रूम मुझे एकदम खाली चाहिए होता है ट्यूशन वाले बच्चों के लिए। तो मैंने इसको इस तरह से वॉलपेपर से कवर किया हुआ था, और इस पर काफ़ी ज़्यादा डस्ट आ रही है, इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा डस्ट आ जाती है। ये देखें इसको मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ, और उसके बाद में मुझे ये काफ़ी गंदा लग रहा था, वॉलपेपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा फट चुका था, कई जगह से ख़राब हो गया था, डैमेज हो गया था। तो अभी मैंने एक वॉलपेपर और निकाला है, क्योंकि मेरे हस्बैंड कॉन्ट्रैक्टर हैं बट वो एप्लीकेटर का काम भी करते हैं वॉलपेपर का। तो ये देखें काफ़ी अच्छा वॉलपेपर उनसे मैंने मंगवाया था, ये देखें। तो इसको मैंने अच्छे से सेट किया है उसी के ऊपर, क्योंकि थोड़ा सा ठीक हो जाएगा तो इसके फटने के चांसेस भी कम रहेंगे। तो इसको मैंने इस तरह से ग्लू की हेल्प से चिपका दिया था, ये देखें इस तरह से मैंने इसको सेट किया था अच्छे से, और इसको फिर मैंने उस पर वापस से सेट कर दिया था। और ये काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगने लगा था टेबल, और वो बहुत ज़्यादा डार्क कलर था पहले वाले वॉलपेपर का, और ये इसलिए मैंने लाइट शेड में यहाँ पर ये वॉलपेपर चेंज किया है। और अब मैं यहाँ पर बाकी सामान रखने लगी हूँ, ये देखें यहाँ पर कुछ सामान रखा हुआ था जो मैं अपने तरीके से फिर से सेट कर रही हूँ इसको। और यहाँ पर एक छोटा सा वॉलपेपर मैंने रख, और ये देखें मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ये सब चीज़ें करने में, छोटी छोटी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है करनी घर में।
और इस तरह से मैंने इसको सेट कर दिया है। और ये देखें ये कितना प्यारा लग रहा है टेबल, और ये इस तरह से यूज़ में आता है अभी, इसके अलावा और किसी तरह से हम यूज़ में नहीं लेते हैं इसको। और ये अभी फ़िलहाल के लिए ठीक हो गया है, अच्छा लग रहा था काफ़ी, कलर भी इस पर लाइट आ गया है वॉलपेपर का तो काफ़ी ब्राइट लग रहा था। और इसके बाद में मुझे लगानी थी झाड़ू, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डस्ट वहाँ पर इकट्ठी हो गई थी, डस्टिंग वगैरह मैंने करी थी और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने की थी और छोटी छोटी, तो सभी को मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। और यहाँ पर मैंने लगाने लगी थी झाड़ू, और ये देखिए काफ़ी ज़्यादा डस्ट आ जाती है साथ में। और पंखा वगैरह भी मैंने साफ़ किया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा डस्ट उस पर भी रहता है। और इसको लगाने के बाद में मैंने मोप लगाया था, क्लीन कर दिया था पूरा, उसके बाद मैंने कपड़े वॉश किए थे। ये देखें काफ़ी सारे कपड़े मैंने वॉश किए हैं। और कपड़े वॉश करने के बाद मैंने सारा क्लीन कर दिया था मोप वगैरह लगाने के बाद, फिर मैंने नहा लिया था। और ये मैंने जो कट करके रखा था दोनों पीस एक्चुअली मैंने वॉश कर दिए थे और इनको रख दिया था। और उसके बाद में मैंने बनाया था सालन, और ये पनीर की सब्ज़ी नहीं है, ये मैंने बनाया था एग से पनीर की शेप देकर उसको बनाया था। और इसमें कैप्सिकम और ऑनियन भी मैंने कुछ पीसीस कट करके डाले थे, क्योंकि थोड़ी क्वांटिटी भी बढ़ जाती है उससे, और टेस्ट भी इसका इतना ज़्यादा टेस्टी ये लग रहा था, पनीर से भी ज़्यादा ये टेस्टी मुझे तो लगी डिश बहुत ज़्यादा। इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगी ज़रूर, मैंने ऐसे ही बना के देखी थी बट बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बनी, लेकिन अगली बार इंशाल्लाह आपके साथ ये वाली डिश की रेसिपी ज़रूर शेयर करूंगी किस तरह से मैंने इसको बनाया है। और इसमें कैप्सिकम का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आ रहा था, और ये देखें ये देखने में भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। और इसमें जिस तरह से मैंने इसको बनाया था एग की बिल्कुल भी स्मेल नहीं आ रही थी इसमें, जैसे कि ये अंडे से बनाई हुई हो। और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी ये बनकर तैयार हुई थी सब्ज़ी, बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी इसकी रेसिपी। और ये नेक्स्ट डे हो गया था, उसके बाद में मैं बर्तन वगैरह वॉश कर रही थी ब्रेकफास्ट के। ये देखें काफ़ी सारे बर्तन इकट्ठा हो जाते हैं। और जब मेरे हस्बैंड चले गए थे नाश्ता वगैरह करने के बाद, तो फिर तो मैंने अपने हस्बैंड के जाने के बाद ये बर्तन वगैरह धोने स्टार्ट किए थे। और जैसे कि मैंने अंडा वगैरह बनाया था तो इसलिए ये पैन वगैरह भी यहाँ पर रखे हुए हैं। और बाकी नाइट के बर्तन मैं सारे वॉश करके ही सोती हूँ, जितने भी रात में बर्तन खाने के हो जाते हैं चाय वगैरह के, वो सब मैं क्लीन कर देती हूँ, तो ये सिर्फ मॉर्निंग के ही बर्तन रह जाते हैं, तो इनको भी मैंने हैंड टू हैंड क्लीन कर देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बर्तन रख देती हूँ इकट्ठा करके और फिर दोपहर में या शाम में ही वॉश करती हूँ, और ये मॉर्निंग में ही मैंने अच्छे से वॉश कर दी हैं। उसके बाद में मैंने सिंक को भी अच्छे से क्लीन किया है, सिंक पे जो भी निशान धब्बे होते हैं वो बिल्कुल भी मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए मैं क्लीन रखती हूँ सिंक को भी एकदम। और जैसे कि वेडिंग सीजन स्टार्ट हो गया है तो काफ़ी सारे सूट्स मैं लेकर आई थी, तो उन्हीं को मैं स्टिच करने लगी थी क्योंकि अभी काफ़ी टाइम कम था मेरे पास। पाकिस्तानी सूट था एक मेरा, और दुपट्टे पे भी उसके लेस वगैरह सब ओके था, कंप्लीट था वो, तो उसमें भी मुझे कुछ नहीं करना था। बट ये ट्राउज़र मुझे सीना था, इसमें पैच वगैरह भी आए थे, ये देखें पैच इसके साथ आया था। तो और इसका जो सूट था वो मेरी सिस्टर ने मुझे स्टिच करके भिजवा दिया था मेरे पास, तो आज मुझे थोड़ा सा टाइम मिला। सिंपल है वैसे तो, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगा था, मिनिमम एक घंटा इसमें लगा होगा बट, और एक घंटा इसमें लगा था मिनिमम इसलिए क्योंकि इसमें मैंने लाइनिंग भी इसमें लगाया था, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम उसमें लग जाता है एक्स्ट्रा। अगर ऐसे ही कपड़े के साथ बनाना हो तो इतना वक्त नहीं लगता है, लेकिन कपड़े के अंदर अगर लाइनिंग आपको लगाना है तो उसमें टाइम लग जाता है थोड़ा सा। तो ये एक साइड का पैच मेरा कंप्लीट हो गया है, तो दूसरी साइड पर मैं लगाने लगी हूँ, ये देखें। और इसके बाद में एक दो सूट मेरे पास और रखे हुए थे सिलने के लिए, जो कि मैं लेकर आई थी, काफ़ी दिन हो चुके हैं बट मैं उसको
सिल नहीं पा रही हूँ, इंशाल्लाह उसको भी जल्दी से कट करके रखूँगी। और ये देखिए ये काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा था, मैंने ऐसे ही पहन कर देखा है ट्राउज़र के ऊपर से ही, तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल था, मुझे लूज़ ही रखना था थोड़ा सा। और आज मैंने बनाए थे शलजम गोश्त, तो ये देखें ये शलजम गोश्त मेरे बनकर रेडी हैं और यहाँ पर मैं डिश आउट कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड आ चुके थे, ये शाम में मैंने रिकॉर्ड किया है और शाम में मैंने व्लॉग थोड़ा सा यहाँ पर बनाया था। और मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है शलजम गोश्त के साथ मक्के की रोटी, बट अभी आटा नहीं मिल पा रहा है मक्के का फ़िलहाल। और मैंने रोटियाँ भी बनानी सीखी हैं मक्के की, छोटी छोटी रोटियाँ मुझसे बनाई जाती हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं मैं बना पाती हूँ। और ये देखें सालन हमारा बनकर रेडी था। और एक चीज़ और बनाई थी मैंने, एक डिश और बनाई थी, अंडा करी, एग करी मैंने बनाई थी। और देखें ये बनाई थी मैंने एग करी नेक्स्ट डे। और अगर आज की आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।